हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम वाटर टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमारी कंडीशन क्या है, एल बाई बी इज़ ग्रेटर देन टू और वाटर टैंक इज़ रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। सो एक्सेल शीट के थ्रू हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिज़ाइन कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे हमारे, ठीक है। वी हैव टू पुट द डाटा इन दीज पिंक सेल्स ओनली, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल हम करेंगे, स्टील इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन कटेलमेंट ऑफ रीइन्फोर्समेंट फॉर इकॉनमी। डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल हम करेंगे इन स्टील इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में निकालेंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल करेंगे, स्टील इन वर्टिकल डायरेक्शन में निकालेंगे। फिर डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल करेंगे स्टील इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एट द सेंटर एंड एट द सपोर्ट। लास्ट में हम बेस स्लैब डिज़ाइन करेंगे। आइए हम देख लेते हैं इस एक्सेल शीट के थ्रू हम क्विकली इसे कैसे डिज़ाइन करेंगे एक्यूरेटली, राइट। हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है, 7 मीटर की, ओके। विड्थ कितनी गिवन है वाटर टैंक की, 3 मीटर की। वाटर डेप्थ, डेप्थ ऑफ वाटर इज 2.8 मीटर, ओके। फ्री बोर्ड जो वाटर डेप्थ होगा उससे ऊपर कितना एरिया, जो कितना डेप्थ जो है खाली रहेगा, दैट इज 0.2 मीटर एज्यूम। एफ सी के हमारे केस में कितना है, M25, और एफ आई कितना है, Fe 415, राइट। तो यहाँ पे टोटल हाइट निकल के आ गई, फ्री बोर्ड में डेप्थ ऑफ वाटर ऐड हो गया 3 मीटर। एल बाई बी रेशियो 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, द लॉन्ग वॉल एक्ट एज अ कैंटीलीवर फॉर फुल हाइट ऑफ द टैंक। जो लॉन्ग वॉल है, दिस इज द लॉन्ग वॉल 7 मीटर की, ये फुल हाइट ऑफ द टैंक जितनी भी हाइट होगी, दैट इज 3 मीटर, इट विल एक्ट एज अ कैंटीलीवर, ठीक है। इसे इसी तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स निकाल लेंगे सबसे पहले, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एफ सी के कितना है, 25। सो यू ऑनली पुट द डाटा, सिग्मा सी वी सी की वैल्यू डालनी है, दैट इज 8.5। यहाँ पे हमारा सिग्मा एस टी एम निकल के आ जाएगा, मॉडल रेशियो के निकल के आ जाएगा, जे निकल के आ जाएगा, क्यू निकल के आ जाएगा, राइट। अगर हम इसे चेंज करेंगे 10, तो ये वैल्यूज सारी चेंज हो जाएंगी, 11.5। तो हमें डिज़ाइन कॉन्स्टेंट निकालना है, तो ये डिज़ाइन कॉन्स्टेंट निकल के आ गए। सबसे पहले हम करेंगे डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल स्टील इन वर्टिकल डायरेक्शन में, क्लियर। सो यहाँ पे क्या लिखा आया था, लॉन्ग वॉल विल एक्ट एज कैंटिलीवर फॉर फुल हाइट ऑफ द टैंक, ठीक है। तो कैंटिलीवर एक्शन फॉर फुल हाइट एच टेंशन ऑन द लिक्विड फेस, लिक्विड फेस मतलब इनर फेस में होगा। इसमें क्या होगा, देखिए वाटर का प्रेशर आएगा, अंदर वाटर है, इसका प्रेशर क्या करेगा, इसे इस तरीके से बेंड करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्रेशन, और लिक्विड फेस यानी इनर फेस पे क्या आएगा, टेंशन। सो मेन रीइन्फोर्समेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, जो इनर फेस पे आएगी, राइट। सो वाटर प्रेशर एट डेप्थ एच, इस डेप्थ पे वाटर प्रेशर निकल के आ गया 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का, गामा डब्ल्यू इंटू एच, मोमेंट निकल के आ गया एट द बेस, हाफ पी दैट इज प्रेशर इंटू एच होल हाइट, और एक्ट कहाँ करेगी, एच बाई थ्री पे डिस्टेंस पे करेगी, 45 निकल के आ गया। एम इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, क्यू हमने निकाल ही लिया पहले, तो यहाँ से बी हमारा इन जनरल 1000 mm होता है, तो डी रिक्वायर निकल के आ गया 171। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें डी अडॉप्ट करनी है, तो हमने इससे ज़्यादा 175 कर दी। एफेक्टिव कवर हमने 50 mm का ले लिया, तो जो ओवरऑल थिकनेस आ गई हमारी लॉन्ग वॉल की एंड शॉर्ट वॉल की 225 mm आ गई, राइट। थिकनेस ऑफ द वॉल निकल के आ गई। अब ए एस टी निकल के आ गया, एम अपॉन सिग्मा एस टी जे इंटू डी, इस फॉर्मूले से ये निकल के आ गया। अगर मैं ज्यूम करता हूँ यहाँ पे 20 mm का, तो देखिए यहाँ पे हमारी स्पेसिंग निकल के आ गई 20 mm, 130 mm सेंटर टू सेंटर इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑन लिक्विड फेस यानी इनर फेस। देखिए ये आ गया 20 mm, 130 mm सेंटर टू सेंटर। अब इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कटेलमेंट जरूर करना होता है, राइट। फॉर इकॉनमी कटेलमेंट ऑफ रीइन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। As the pressure decreases gradually towards the top, the bending moment values also goes on reducing. So the steel bars can be curtailed for economy. So at any depth h below the top, h below the top, bending moment कैसे vary करता है, gamma w into h cube, right? So h cube upon h cube equals to half, क्योंकि हमें आधे ही reinforcement curtail करने हैं। तो ये h की value निकल के आ गई, h 2.38 निकल के आ गई। Theoretical curtailment कितना हो गया, टोटल एच में से ये माइनस कर देंगे, 0.62 निकल के आ गया। एक्चुअल कटेलमेंट कितना होता है, थियोरटिकल कटेलमेंट यानी 0.62 प्लस 12 इंटू डाया ऑफ द बार, जो आप डाया चुनोगे, अगर हम यहाँ पे 25 चुनते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, राइट। सो हमने यहाँ पे 20 चुना है तो 0.86। तो एक्चुअल कटेलमेंट कितनी आ गई अल्टरनेट बार्स की, फ्रॉम ऑन इनर फेस फ्रॉम द बेस एट 0.90, सो 0.90 आ गया, राइट। अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये देखिए ये चेंज हो जाएगा,
तो हमारे केस में 20 है। तो कर्टेलमेंट भी निकल के आ गई, इनर फेस में हमारा वर्टिकल रिइंफोर्समेंट आ गया। अब आ जाओ डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल में ही रहेंगे, बट स्टील इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालना है। तो स्टील इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए एच जो ये वैल्यू है एच एच बाई फोर किया 0.75 आया और 1 मीटर, इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, टेक द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द अबव। तो 1 मीटर ले लिया इसने। नोट डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स ऑन द लॉन्ग वॉल ड्यू टू प्रेशर ऑन द शॉर्ट वॉल। जो शॉर्ट वॉल, दिस इज द शॉर्ट वॉल 3 मीटर की, इसमें जो प्रेशर लगेगा इसके कारण यहाँ पर टेंशन जनरेट होगी TL। सो TL क्या फॉर्मूला क्या निकलेगा, गामा डब्ल्यू एच माइनस एच इस पोजिशन पे इंटू बी बाई टू, दिस इज बी, शॉर्ट वॉल के अकॉर्डिंग लगेगा तो इसकी लेंथ ली जाएगी, क्लियर, डिवाइड बाई टू क्यों किया, क्योंकि हमारी दो लॉन्ग वॉल है, तो यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का टेंशन निकल गया। आ गया तो हॉरिजेंटल स्टील, हमने वर्टिकल स्टील निकाल ही लिया यहाँ पे 20 × 130 mm सेंटर टू सेंटर। तो हॉरिजेंटल स्टील के लिए TL अपॉन सिग्मा ST ये निकल के आ गया। मिनिमम स्टील हमें कोड कहता है 0.24% होना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया का 540, तो हमने इन दोनों में से हायर वैल्यू ले ली। तो प्रोवाइड स्टील ऑफ द एरिया ऑन ईच फेस, हाफ इनर फेस में हाफ आउटर फेस पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सपोज अगर हम 8 mm का लेते हैं तो 8 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर ऑन इनर एंड आउटर फेस इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, क्लियर। सो वर्टिकल निकल गया हमारा और हॉरिजेंटल निकल गया, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल हो गया। शॉर्ट वॉल हमने कैसे डिज़ाइन करना है, शॉर्ट वॉल में क्या होता है, जो बॉटम पोर्शन है स्मॉल एच, राइट, दैट इज़ 1 मीटर जो निकल के आया हमारा, वो कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगा और जो अपर पोर्शन है दैट विल डिज़ाइन एज कंटिन्यूस फ्रेम, क्लियर। तो प्रेशर एट द बेस हम क्या कर रहे हैं, स्टील इन वर्टिकल डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, बॉटम पोर्शन एक्ट एज कैंटिलीवर। सो बॉटम प्रेशर एट द बेस क्या होगा, गामा डब्ल्यू एच 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर निकल के आ गया, एम बेस निकल के आ गया 5, ए एस टी रिक्वायर्ड क्या होगा, एम बेस अपॉन सिग्मा एस टी जे डी, ये फॉर्मूले लगे हुए हैं सारे। तो ए एस टी मिनिमम से ए एस टी मिनिमम ले लेंगे क्योंकि ये कम है, ठीक है, ए एस टी मिनिमम बाई 2 270 निकल के आ गया, ए एस टी ऑन ईच फेस 270। तो यहाँ पे भी सपोज हमने 8 mm का ले लिया, 8 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर इनर एंड आउटर फेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसमें ये देखना ये वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, क्लियर, शॉर्ट वॉल को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अब आ जाओ डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल स्टील इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्टील इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द सपोर्ट एंड एट द सेंटर। तो एट द सपोर्ट हम पहले देख लेते हैं, मैंने क्या बताया कि जो अपर पोर्शन होगा दैट विल बी डिज़ाइन एज कंटिन्यूस फ्रेम, ठीक है, कंटिन्यूस स्लैब। सो एट द सपोर्ट, एट द सपोर्ट क्या होगा, ये बेंड करेगा इस तरीके से, तो सपोर्ट में जो लिक्विड फेस होगा यानी इनर फेस होगा वहाँ पे टेंशन जनरेट होगी, क्लियर, टेंशन ऑन द लिक्विड फेस। वाटर प्रेशर एच माइनस एच फ्रॉम द टॉप 20 किलोमीटर गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस एच ये निकल के आ गया। फिक्स एंड मूवमेंट्स, यहाँ पे फिक्स एंड मूवमेंट्स निकल के आएंगे 15 किलो न्यूटन पर मीटर, PB² / 12 ये फॉर्मूला लगता है। टेंशन इन द शॉर्ट वॉल ड्यू टू 1 मीटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, जो शॉर्ट वॉल में टेंशन आएगी वो लॉन्ग वॉल की वजह से आएगी, बट यहाँ पे क्या केस लेना है, 1 मीटर के लेंथ के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन मीटर आ गया। मूवमेंट में ए एस टी कितना निकल जाएगी, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए एम अपॉन सिग्मा एस टी जे इन टू डी, तो हमारा एम कितना है 15, तो ये निकल गया आ गया। टेंशन के लिए टी एस जो हमने ये ऊपर निकाला टी एस अपॉन सिग्मा एस टी ये फॉर्मूला, तो टोटल निकल के आ गया। सपोज हम यहाँ पे 16 mm का डालते हैं तो 16 mm 210 mm सेंटर टू सेंटर ऑन इनर फेस, क्योंकि इनर फेस यहाँ पे टेंशन कहाँ आएगी, इनर फेस पे आएगी सपोर्ट पे एट द एंड्स ऑफ द शॉर्ट वॉल, ठीक है। ए एस टी प्रोवाइडेड हमेशा ए एस टी रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। अब आ जाओ सेंटर पे, सपोज ये इस तरीके से बेंड करेगा, सेंटर पे ये फिक्स है तो सेंटर पे क्या होता है, अगर सिंपली सपोर्टेड होता तो P B² / 8 होता, बट यहाँ पे सपोर्ट पे कितना है, -P B² / 12, यहाँ पे एम सेंटर कितना आ गया, PW B² / 24, राइट। ये सेंटर पे हमारा मोमेंट निकल के आ गया, ए एस टी 1 निकल के आ गया इतना। सपोज हम यहाँ पे 16 का लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये स्पेसिंग 524 आएगी, बाई डिफ़ॉल्ट 300 mm से हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट 300 mm चलिए, ठीक है, ए एस टी प्रोवाइडेड आ गया। बेस स्लैब डिज़ाइन कर लेते हैं, बेस स्लैब वी ऑलरेडी नो दैट एज द स्लैब इज डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड हैज नॉमिनल डिज़ाइन कैन बी डन फॉर द बेस स्लैब, डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पे तो नॉमिनल डिज़ाइन हम कर सकते हैं। तो प्रोवाइड थिकनेस हम जनरली 200 mm थिकनेस ले लिया, तो T/2 ईच जोन डिवाइड हो जाएगा 100 और 100 mm में,
ठीक है। तो ए एस टी मिनिमम यहाँ पे निकल गया 0.24 बी इंटू टी अपॉन 100, 240 का आ गया, ठीक है। प्रोवाइड इन्फोर्समेंट ओनली ऑन द टॉप फेस, टॉप फेस पे ही रिक्वायरमेंट होती है, बॉटम फेस पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो हमने एज्यूम 8 mm डाया कर दिया, तो यहाँ पे 8 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ फेस आ गया, ठीक है। तो री इन्फोर्समेंट डिटेल जो हमने ऊपर निकाली है वो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आ गई, क्लियर। देखिए ये बट अभी लॉन्ग वॉल की बात करते हैं, तो लॉन्ग वॉल में वर्टिकल डायरेक्शन में 20 mm 130 mm आया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 mm 180 mm आया था इनर एंड आउटर फेस। अब आ जाओ शॉर्ट वॉल में, जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में 8 mm 180 mm, क्लियर, 16 mm 210 mm ऑन द इनर फेस शॉर्ट वॉल में, ठीक है, और 16 mm 300 mm सेंटर ऑन द आउटर फेस। ये देखिए ऑन द आउटर फेस ऑफ द सेंटर ऑफ द शॉर्ट वॉल, ये हमने सेक्शन काटे हैं, सेक्शन यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग सेक्शन से ये डिटेल आ जाएगी, राइट। सो सपोज अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं, अगर मैं इसे ले लेता हूँ 12 मीटर, इसे ले लिया मैंने 5 मीटर, ये ले लिया मैंने 4 मीटर, फ्री बोर्ड सेम रहने देते हैं, क्या ये M30 लिया, तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा CBC की वैल्यू हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 10, ठीक है। देखिए ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई, ये मूवमेंट्स चेंज हो गए, अब यहाँ पे डी रिक्वायर्ड 262 है, तो यहाँ पे हमें डी रिक्वायर्ड बढ़ाना पड़ेगा। सपोज़ हम 275 ले लेते हैं, तो 325 का थिकनेस आ गई, ये हमारा AST रिक्वायर्ड आया, तो हमें यहाँ पे AST की डाया की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, 25 mm का डाया लेना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, 120 mm आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से कर्टेलमेंट भी हमारी चेंज हो गई, 1.20 mm हो गई। स्टील इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये देखिए 8 mm 120 mm सेंटर टू सेंटर हो गया, ओके। डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल स्टील इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में 8 120 mm आ गया, क्लियर। देखिए मूवमेंट्स की वैल्यूज चेंज हो गई, टेंशन की वैल्यूज चेंज हो गई, ओके, ये सब चेंज हो गया। अगर हम 16 mm का अब लेते हैं तो ये 80 mm आ रहा है, तो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। सपोज 20 mm लेते हैं तो 130 mm आ गया, ठीक है, यहाँ 16 mm 180 mm सेंटर टू सेंटर चल जाएगा आउटर फेस पर, क्लियर। बेस स्लैब सेम, तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारी जैसे 25 mm 120 mm हो गया, 8 mm 120 हो गया, शॉर्ट वॉल में 16 mm 180 हो गया, और इनर फेस पे 20 mm 130 mm सेंटर। तो ये देखिए ये इसके सेक्शन में गए, इसके अकॉर्डिंग स्टील की डिटेल आ गई। तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉर डिज़ाइन शीट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, मेल मी ऑन माई मेल ID, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।